अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। अच्छा, जो कल जो मैंने व्लॉग जो था ना, वहीं पे स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मुझे ये देखिए, मैं एक नया लिप ग्लॉस लाई हूँ, वो बड़ा ही मुझे पाई ने लूट लिया है, उतने का नहीं जितने का उसने मुझे दे दिया। खैर, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी क्या बकवास सी चीज़ उसने मुझे दी है। अच्छा, मैं बता रही थी कि मैं आई हूँ छत पे, कल मैंने अपना काम पेंडिंग रोक दिया। यकीन करें, इतना दुख हो रहा है ना कि इन 5 दिनों में जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैंने कोई टेक्सचर नहीं रेडी किया कि मुझे थक बारिश होगी। लेकिन एक और चीज़ बात याद आ गई, मैं बारिश बोलती हूँ ना लफ्ज़ तो ना, मैंने एक ना सुना था कि कहते हैं लाहौर की जो लड़कियाँ ना, वो अड़े लफ्ज़ बहुत यूज़ करती हैं अपनी वर्डिंग में, यानी कि बारिश हो रही है और इस तरह से। मुझे नहीं पता चलता, मैं बाय चांस कई दफ़ा वीडियो बोल देती हूँ बात करते हुए, लेकिन उस दिन एक सब्सक्राइबर ने ऐसे कमेंट किया था कि बारिश हुई नहीं आपकी तरह, रुक गई है या रुक गई है। तो मैंने कहा कि समझ गई हूँ क्या कहना चाह रही है। खैर, तो वो गलती हो जाती है, पता नहीं क्या बोलते हैं लफ्ज़ों के, उल्टे सीधे लफ्ज़ निकल जाते हैं मुँह से। आपको पता ही है मेरा, जब जो लोग मेरे शुरू से व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें, डर्ट जो है वो सूखने पे, मैंने सुबह आके ना शीट्स उठा दी थी, मैंने कहा कि ये जो 5 दिन मेरे वेस्ट हुए, इनके अंदर मैं अपने कई टेक्सचर्स ट्राई कर सकती थी, और हर टेक्सचर की रेडी करके भी रखती ना, तो अब तक मेरे तमाम टेक्सचर्स ड्राई भी हो चुके होते, उनकी वीडियोज़ भी बन चुकी थी। लेकिन मैंने अपने आप को भाई खुद इस काम इस तरफ लेकर आई हूँ मैं, और ये देखें मेरी डर्ट जो है वो ड्राई हो गई हुई है, और इसके कुछ चंक्स जो है वो आपको दिखाती हूँ। इतने बड़े देखिए ड्राई हो गई है, और इतना मज़े का टेक्सचर है ना, यकीन करें मैं बता नहीं सकती। फिर सुबह आके अपने तमाम टेक्सचर से शीट्स उठाई, और अब मैं रेड डर्ट यूट्यूब बनाने लगी थी, तो मैं देख रही थी कि क्या करूँ, मैंने शीट के अंदर सारा वो पानी के अंदर गिरा हुआ है, मैंने ऊपर से पूरी शीट नहीं उठाई है, मैंने कहा कि देते बड़ा मसला होता है, तो देखते हैं क्या करती हूँ मैं। और ये डर्ट सारी मैंने सारे अनकवर करके गई थी कि इनको थोड़ी धूप लगे अच्छे से, ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े थोड़े ड्राई हो चुके हैं जो गीले थे पहले से, तो अब देखते हैं क्या करना है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मे भी आज मैं इन टेक्सचर्स की बना के शेप्स जाऊं, तो एक या दो की तो बना के जाऊंगी इंशाल्लाह। और वो जो मेरी डर्ट है, वो जो येलो डर्ट है, उसके ऊपर कैसे डस्ट पड़ के उसका कलर ख़राब हुआ है, इसको भी ठीक करना है। चलें जी, लग जाते हैं काम पर, हम अपने लग जाते हैं अपने काम पर, ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे बाद में। ये तो सबसे मुश्किल काम होता है, ब्रिक्स को निकालना बाहर। ब्रिक थी अंदर जिसको मैंने नूर एक मिनट की ब्रिक थी अंदर जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। ये देखिए, बड़े हाल इसको बाहर निकालते और जो बाकी वाली ब्रिक है उसको भी बाहर निकालते, यूट्यूब कंप्लीट करते हैं अपनी, मुश्किल से ही लग रहा होगी कंप्लीट, शोर बहुत है। निकल आई है, ऐसे चॉकलेट बार सारी निकाल के हमारी वीडियो एंड करनी है, बोली जा रही है वीडियो।
फेस प्ले कर ली, वीडियो स्टार्ट एंड कर। अब हम ड्राई क्रबलिंग ही करेंगे सर। अच्छा जी, मैंने ये सारा ना इक्वली क्रम्बल करके मैं इसे पाउडर ही कर लिया ताकि मेरे शेप्स बनाने में इतना आसानी रहे। और मैंने इसको बड़ा ही, मैं ना कुछ भी नहीं सही से रिकॉर्ड कर पा रही, इवनली कि मैंने वीडियो भी बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड की है क्योंकि साथ वाले घर में बहुत शोर आ रहा है, तो काम जो है बड़ा ही मुश्किल से किया जा रहा है। शुक्र है गरीमत है मेरी वीडियो बन गई है रेड डेट की, तो बट अब मुझसे व्लॉग जो है ना वो शूट नहीं किया जा रहा क्योंकि बच्चे रो रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या क्या चीखने की आवाज़ें आती हैं क्योंकि जब उनको कुटाई होती है ना, उनकी पिटाई होती है उनकी, फिर सही वो बाजे बजते हैं उनके। खैर अब मैं स्ट्रक्चर को बाहर निकालती हूँ और देखते हैं क्या वो करती हूँ, फिर शेप बना के आपको दिखाती हूँ या नहीं। ये शोर, क्योंकि पता क्या जब शोर हो रहा होता है ना मेरा काम पे फोकस नहीं हो पाता अपने, मेरा हाथ नहीं मूव करते हैं जी भी, मुझे ना जहन में वजारी शुरू हो जाती है तो मैं बड़ी मुश्किल से कॉन्सेंट्रेशन कर पाती हूँ अपने काम पर। फिर देखते हैं, मेरी टैक्सी बाहर निकालूँ, फिर मिलते हूँ आपसे। टेक्सचर को बाहर निकालते, सारा जितना भी है ऊपर वाला तो निकालेंगे, जो बाकी टब में उसको हम टर्न कर देंगे किसी तरीके से। तो मुझे रिक्वेस्ट आती थी रेड डर्ट की डैम क्रम्बलिंग करें, इवन कि मैं करती रहती हूँ टेक्सचर की क्रम्बलिंग जब भी मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट आती है कि आप डैम क्रम्बलिंग करें रेड डर्ट की। अच्छा चले, ये मैं सारा टेक्सचर बाहर निकाल के अच्छे से फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है। क्योंकि शोर हो रहा है तो बेशक ये व्लॉग है लेकिन कुछ लोगों को फिर भी शोर से इरिटेशन होगी जैसे कि मुझे होती है, तो चलो मिलते हैं फिर आपसे। बच्चों पे अच्छा जी, मैंने टब उल्टा लिया किसी तरीके से, हाफ टब था अंदर, आधा अंदर टब था टेक्सचर का, तो चले टेक्सचर खुद ही बाहर निकल गया, उल्टाने से निकल गया। तो चलिए इसकी क्रबलिंग करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको उल्टा लेते हैं, फिर भी है तो अंदर देखती हूँ गर्ट से आ रहा अंदर। हाँ जी आ रहे, बच्चों ने नीचे पकड़ना, इसलिए हम थोड़ा पाउडर डालते हैं कि थोड़ा अट्रैक्टिव हो ये, ठीक है ऐसे। ला 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 ला, खोखली हो गई है ना। पतले हो गए किनारे, ये देखिए हम ना टेक्सचर के ऊपर पाउडर डाल रहे हैं और ठीक है। तो ये हमने अच्छे से इसको कौन सा, नहीं पता नहीं कोई भी शेप नहीं है पास, देख ले खुद आके। अच्छा ये देखें, ये पाउडर मैंने सारा फैला दिए और इसको ऊपर से अच्छे से
स्प्रेड कर देते हैं। अब हम इसकी डैम क्रम्बलिंग करते हैं, ठीक है। अच्छे से इसकी डैम क्रम्बलिंग करते हैं, और डैम क्रम्बलिंग को जो मिस करते हैं वो नहीं करेंगे फिर मिस। चले ये हम इसको मिस जो करते जाते हैं उसको साइड पे कर जाएंगे। ये देखिए कितने बड़े बड़े चंक है। कैसे? अच्छा तो ये ना मैं इसको अच्छे से क्रम्बल करके, ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े चंक है। ये डैम क्रम्बलिंग ना हार्ड हो जाती है। माइक भी चलाने से भी है, देखिए जैसे जैसे हो ही जाएगी क्रमिक हम टेक्सचर जो है ना साइड पे कहीं जाते हैं। कितने नहीं व्लॉग आ रही जल्दी से, मैंने कहीं शोर हो रहा है जो जो बोलने लग जाते हैं। जल्दी से रिकॉर्ड कर ले फिर देखूंगी आके। ठीक है खुशबू इतनी प्यारी है, बहुत मज़े की खुशबू है इस टेक्सचर की भी। इवन कि मेरे हर टेक्सचर की खुशबू बहुत मज़े की है। सही है, अभी भी इतना टब पड़ा हुआ है। पीछे वो भी वीडियो बना के फ्री हुई है, अब वो शेप्स बना रही है तो ठक ठक की जब आवाज़ आएगी ना तो हमारे किसी काम हो रहा है। खैर हमने भी अपना काम करना है, रुकना नहीं। यकीन करिए टेक्सचर बहुत हार्ड हो जाता है क्रम्बल करते हैं कि डैम वाला, लेकिन फिर भी ताकत लगा के आप लोगों के लिए बना देती हूँ वीडियो। अच्छे से ये बस रह गया, अब
शोर जो है उसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें। जो जो पीस निकल रहे हैं नीचे से क्रम्बल कर देते हैं। माशाल्लाह ऐसे दिनों में ही बैठे रहा। ये देखिए, अच्छा ये देखिए माशाल्लाह बेशक। अच्छा ये जो है ना ये अजाने स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं जल्दी से इसे क्रम्बल करके नीचे जाऊँ। तो शेप से बनानी है मुझे इसकी, मैं सोची शेप सुना के जाऊँ, अभी अजाने शुरू हुई हैं। तो नमाज पढ़ के आके बाकी का काम करूँगी, तो मिलते हैं फिर बाद में। टेक्सचर में ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ, तो आके मैं इसकी शेप्स रेडी कर दूँगी और बनाती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो दिखा भी दूँगी। लेकिन अभी के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ, बाद में बाकी काम बाद में आके करती हूँ। सही है, तो बाद में मिलते हैं आकर। चले।